मॉर्निंग। तो अभी बज रहे सुबह के 8:30 बजे और डेट है आज 7 अक्टूबर। आज है हमारी ब्लॉग का फर्स्ट डे। तो आज हम लोग जा रहे हैं जलंधर, वहाँ पे हमें थोड़ा सा काम है इसलिए जा रहे हैं। तो अभी फटाफट लाइक 11 बजे तक जाना है, तो अभी मैं जा रही हूँ जिम। वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है आज, तो फटाफट चलते हैं जिम की ओर। तो यहाँ आ चुका है हमारा फाइबर की रोटी एंड 4 eggs। ओके, तो हमारा नाश्ता वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया, तो अब हम कर रहे हैं चलने की तैयारी, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा देर हो गई। हमने 11:30 का प्लान बनाया था और 12 बज चुके हैं। ऑब्वियसली कभी टाइम पे कुछ भी नहीं हो सकता हमारा, तो अब चलते हैं फटाफट। कहाँ जा रहे हैं हम? नकोदर। ये है मेरा भाई, पता ही होगा लोगों को, वैसे जा रहा था। दिल्ली से बाहर जाने के लिए तो पहले 2 घंटे के जाम में हमको फंसना पड़ेगा, तब जाके बाहर जाएंगे। ये भाई सब्जी खा रहे हैं अब आइसक्रीम। ये है खली ढाबा पे लंच करने के लिए, ये रहा खली ढाबा। तो अब हम जा रहे हैं खली ढाबा के अंदर एंड बहुत ही बढ़िया लग रहा है बाहर से। तो ये हमने मंगवाया है नान, ये है दाल मखनी और पनीर। अपने लिए मैंने रोटी मंगवाई है, अब अपने लिए जो एक ही रोटी मंगवाई, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है। और ये मेरी सब्जियाँ जी कर रहे हैं कैमल राइड खली ढाबा पे, और खली ढाबा का खाना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, है ना, बहुत मज़ा आ गया। मतलब जाना तो बनता है, ओवर हाइप जगह है पर वर्थ इट है, बहुत ही बढ़िया था, मज़ा आ गया। तो यहाँ पे कैमल राइड भी है, यहाँ पे एडवेंचर पार्क भी है इसका, खली एडवेंचर पार्क, जहाँ पे सर्दियों में आना आई गेस बेटर है, क्योंकि यहाँ पे एयर सफारी वगैरह सब कुछ है। तो अभी हम दूर है लाइक 150 किलोमीटर पर जल्दी पहुँचेंगे। तो ये भाई साहब जी सो गए थे 2 घंटे के लिए एंड अब जाग गए हैं, अभी भी नींद में ही हो रहे हो आप। तो भाई यहाँ का सीन देखो, ये एक रेलवे ट्रैक है, यहाँ से ट्रेन गुजरती है, ठीक है। और भाई इन लोगों ने जैसे वो लगा रखा है बैरिकेड, तो भाई ये बाइक पे बाइक घुसे जा रही है, किसी ना किसी तरह अपनी बाइक को ही निकालने में लगे हैं। भगवान ना करे बहुत तेज स्पीड से ट्रेन आ रही हो, बंदा वहाँ फंस जाए ट्रैक के वहाँ पे, तो इन लोगों का क्या होगा? ये लोग बिल्कुल सोचते नहीं है, बस जल्दबाजी लगी हुई होती है। अब ये देखो ट्रेन कितनी तेज की गई है यहाँ से, अगर कोई अटक गया होता यहाँ तो क्या हाल होता, सोचो थोड़ा सा वेट करने में क्या हो जाए। अब बस 30 किलोमीटर से रह गए एंड हम पहुँच ही गए हैं। तो हम आ गए हैं यहाँ पे लाडी शाह जी की दरगाह, इसके बारे में काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा मेरे हिसाब से। ये यहाँ का इतना प्यारा बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर, एकदम ऐसी जगह है जहाँ पर आपका दिल इतना हल्का हो जाएगा, इतना हल्का, बहुत अच्छा लगेगा। ये अंदर का है, वैसे तो वीडियो वगैरह बनाना यहाँ पे थोड़ा सा अब स्ट्रिक्ट हो गया है। ये देखिए, ये रहा हमारा कनव कनु। ओके गाइस, तो हमारा हो गया है क्या नाम था इनका दरगाह का, लाडी शाह जी की दरगाह। यहाँ पे मतलब हम लोग ज़्यादातर आते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, एक ना शांति सी मिलती है यहाँ पे आके। तो चलिए घर की ओर, बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि 9 बज गए ऑलरेडी, फटाफट चलते हैं हम घर पे, फिर जब जो डिनर में खाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। अच्छा था यार, शांति मिलती है, शांति मिलती है। तुम तो बच्चे हो, तुम्हें कौन सी शांति मिलती है? पेपर खत्म हुआ ना, इसको शांति मिलती है। मम्मी कह रही पेपर खत्म हुआ है तो इसको शांति मिलती है। अच्छा, गाड़ी चलाया, गाड़ी चलाई, वाह। तो हमने यहाँ से टमाटर भी लिए है जो 30 रुपए के मिले हैं हमको, सस्ती मिली दिल्ली से सब्जी, नहीं ना उतनी है। तो अब हम रुके हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए, पूरन सिंह का ढाबा है यहाँ पे रुके हैं, बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है, एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ हौज पौज जगह नहीं रुके हम। हाँ, हमने मंगवाया है चिकन और अभी भी एक ही रोटी खा रही, क्योंकि मतलब बहुत नींद आ रही है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। तो
हम आ चुके थे एक्चुअली घर, रात को ही आ गए थे, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, लाइक 3:30 बज गए थे हमको आते आते, और इतनी हालत ख़राब हो गई थी मेरी तो रात को नींद में ऐसे 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 हो रही थी गाड़ी में कसम से। कन्नू जी तो हमारे सो चुके थे, है ना, ये तो गाड़ी में पूरे रास्ते सोए आराम से, 100 किलोमीटर जो लास्ट का था आराम से सोए। तो हमारी व्लॉग होती है एंड, अब हो सकता है आपको अच्छी लगी हो हमारी ये बहुत ही प्यारी सी वो, अब तो हर एक दिन छोड़ छोड़ के व्लॉग्स आती रहेंगे हमारी नेक्स्ट व्लॉग में जो जल्दी आएगी। तब तक के लिए डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता, बाय।